गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई होप यू आर टोटली फिट एंड फाइन। सो चिल्ड्रेन, टुडे आई एम कमिंग विद अ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक, फ्रूट्स। ओके, सो लेट्स गो एंड लर्न अबाउट फ्रूट्स। फ्रूट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रूट्स? डू यू नो? फ्रूट्स मीन होता है फल। और ये फ्रूट्स भी हमारा जीके से रिलेटेड है। मैंने कल भी आपको बताया था कि जीके का फुल फॉर्म होता है जनरल नॉलेज। ओके, और जनरल नॉलेज में बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिलती है, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, वॉचर एनिमल्स, है ना। बहुत सी चीज़ें मैं आपको इसमें सिखाऊंगी एक के बाद एक। तो अभी इसके प्रीवियस वीडियो में आपने पार्ट्स ऑफ बॉडी सीखा, और इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ फ्रूट्स। ये आपको मैंने बताया ना कि ये जीके से रिलेटेड है, और फ्रूट्स मीन भी मैंने बताया आपको। फ्रूट्स मीन क्या होता है? फल। और फल तो आप डेली खाते हो, है ना। सारे बच्चों को फल बहुत पसंद होता है ना। डेली बेसिस में आप लोग फल खाते हो, लंच के बाद खाते हो ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज क्या पढ़ेंगे? फ्रूट्स। लेट्स लर्न फ्रूट्स। फ्रूट्स मीन फल। ओके, फ्रूट्स मीन फल। और फ्रूट्स की स्पेलिंग क्या होती है? FRUITS, फ्रूट्स। ओके, अब देखते हैं इसमें कौन कौन से फ्रूट्स हैं जो हम खाते हैं और उनसे हमें क्या फायदा होता है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। माय फर्स्ट फ्रूट इज एप्पल। एप्पल तो आपको सबको बहुत पसंद है ना। एप्पल की स्पेलिंग भी सबको आती है, APPLE, एप्पल। व्हाट इज द कलर ऑफ एन एप्पल? रेड। एप्पल का कलर क्या होता है? रेड। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज एन एप्पल। इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। ओके, एंड एप्पल क्या होता है हमारे लिए? बहुत ही फायदेमंद होता है, और डॉक्टर हमें एडवाइस करता है एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, है ना। हमें डेली एक एप्पल खाना चाहिए। ओके, और इसका कलर आपको बताया जैसे कि क्या होता है? रेड। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रूट इज बनाना। बनाना की स्पेलिंग BANANA, बनाना। व्हाट इज द कलर ऑफ बनाना? येलो। बनाना का कलर क्या होता है? येलो। द कलर ऑफ बनाना इज येलो। ओके, इट इज वेरी डिलीशियस एंड इट इज फुल ऑफ एनर्जी। ये पूरा एनर्जी से फुल होता है। इसको हमें क्या करना चाहिए? डेली अगर 1 ग्लास मिल्क के साथ एक बनाना खा लेना, फिट एंड फाइन रहेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रूट इज मैंगो। MANGO, मैंगो। व्हाट इज द कलर ऑफ मैंगो? मैंगो, द कलर ऑफ मैंगो इज येलो, है ना। और मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट। इट कम इन ऑल शेप्स एंड साइज। ओके, इट इज अ फ्लैशी फ्रूट। इसे हम क्या क्या चीजें बनाते हैं? मैंगो शेक, जैम, पिकल्स, चटनी, सॉस, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और इसके लिए एक राइम सी, बहुत सी अच्छी सी राइम्स है। जूसी जूसी मैंगोस येलो एंड स्वीट, टेस्टी टेस्टी मैंगोस एंड स्पेशल ट्रीट। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रूट है हमारा ऑरेंज, है ना। ऑरेंज की स्पेलिंग ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज इज अ स्वीट फ्रूट। और ये ऑरेंज, व्हाट इज द कलर ऑफ एन ऑरेंज? ऑरेंज। इसका नेम भी ऑरेंज और कलर भी ऑरेंज, है ना। इट इज ईटन इन विंटर। हम लोग इसको कब खाते हैं? विंटर में खाते हैं। दे आर राउंड। ओके, दे आर वेरी गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। इसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है, और आजकल हम लोग ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रूट है हमारा ग्रेप्स, है ना। ग्रेप्स, ग्रेप्स की स्पेलिंग GRAPES, ग्रेप्स। ओके, ग्रेप्स आर स्वीट फ्रूट्स। दे ग्रो इन टू मेन कलर्स, ग्रीन एंड ब्लैक। ओके, ये टू मेन कलर में आता है, ग्रीन और ब्लैक। और ये बच्चों को बहुत पसंद होता है, ग्रेप्स बच्चे बहुत लाइक करते हैं। ओके, तो ये कौन से टू कलर्स में आता है? ग्रीन एंड ब्लैक। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रूट इज, माय नेक्स्ट फ्रूट इज ग्वावा। ग्वावा की स्पेलिंग क्या होती है? GUAVA, ग्वावा मीन क्या होता है? अमरूद। ग्वावा मीन अमरूद। ये भी टू कलर्स में आता है। बहुत से ग्वावा हमारे रेड कलर में होते हैं, और बहुत से वाइट, है ना। तो ग्वावा भी बच्चों को बहुत लाइक होता है।
बहुत ही पसंद करते हैं। और इसकी क्या करते हैं हम लोग, इसको कट करके और इसमें बनाना भी मिक्स करके इसकी हम लोग क्या बनाते हैं, सैलेड बनाते हैं। और फिर इसको भी बहुत अच्छे से बच्चे खाते हैं, खाते हैं ना। ओके, नाउ माई नेक्स्ट फ्रूट इज पोमोग्रेनेट। मेरा नेक्स्ट फ्रूट क्या है, पोमोग्रेनेट। पोमोग्रेनेट में क्या होता है, अनार, है ना। इसकी स्पेलिंग POMEGRANATE, पोमोग्रेनेट। ये स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है लेकिन आप धीरे धीरे इसको पढ़ेंगे तो आपको इजली आप पढ़ लेंगे। पोमोग्रेनेट क्या होता है, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर हेल्थ, टीथ, स्किन एंड हेयर। ओके, और ये हमारी मेमोरी भी इम्प्रूव करता है। तो पोमोग्रेनेट भी मेरे लिए बहुत ही हेल्दी फ्रूट है। एंड माई नेक्स्ट फ्रूट इज स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी की स्पेलिंग्स क्या होती है, STRAWBERRY, स्ट्रॉबेरी, है ना। स्ट्रॉबेरी किस कलर में होता है, इट इज रेड कलर। ओके, इट इज गुड फॉर स्किन, शुगर लेवल्स को ये कंट्रोल करता है और हमारी स्किन को क्या बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है। और इसका कलर कौन सा होता है, रेड। तो आपने रेड कलर्स के बहुत सारे फ्रूट्स पढ़े हैं, अभी मैं बाद में पूछूंगी आपसे कि कौन कौन से आपने फ्रूट्स पढ़े हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रूट इज चेरीज, है ना। चेरीज की स्पेलिंग क्या होती है, CHERRIES, चेरीज। और चेरीज का कलर क्या होता है, इसका भी रेड होता है, है ना। और चेरीज क्या करती है, हमारी आई हेल्थ को इम्प्रूव करती है और स्किन को भी बेटर करती है। और ये हमारे, इट इज़ गुड फॉर आई आइस, ये हमारे आइस के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसको खाने से मेरे आइस की जो हमारे आई साइड जो वीक होती है वो ठीक हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट फ्रूट इज वॉचर मेलन। तो बच्चों को बहुत ही लाइक होता है, बहुत ही लाइक इसको करते हैं। वॉटर मेलन की स्पेलिंग क्या होती है, WATERMELON, वॉचर मेलन। और वाटर मेलन में क्या होता है, हाई वाटर कंटेंट होता है इसमें, 92% वाटर होता है। ओके, और ये हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इट इज़ फुल ऑफ एनर्जी, इट इज़ फ्लैशी फ्रूट। क्योंकि इसमें क्या होता है, जूसी होता है ना ये, इसमें बहुत सारा वाटर निकलता है, इसका हम जूस भी पीते हैं ना। तो ये वाटर मेलन भी बच्चों को बहुत पसंद होता है। माई नेक्स्ट फ्रूट इज पाइन एप्पल, है ना। अच्छा, पाइन एप्पल भी बहुत लोगों को पसंद होता है ना। पाइन एप्पल इज अ फ्रूट विथ थ्रोन्स ऑन देयर स्किन, इसके जो ऊपर स्किन पे होते हैं उसमें थ्रोन्स होते हैं। और इसकी स्पेलिंग क्या होती है, PINE, पाइन, और फिर वही एप्पल वाली स्पेलिंग ABBLE, पाइन एप्पल। ओके, तो फिर आपको ये सारे फ्रूट्स जो मैंने आपको बताए हैं इनकी स्पेलिंग भी लर्न करनी है और इनको पहचानना भी है। और आप हमको, आप ये बताइए कि आपने रेड कलर के कौन कौन से फ्रूट्स पढ़े। रेड में आपने एप्पल, चेरी, स्ट्रॉबेरी, और क्या, वाटर मेलन ऊपर से ग्रीन होता है बट अंदर से वो क्या होता है, रेड होता है ना। तो आपने ये पढ़ा, ऑरेंज पढ़ा आपने, मैंगो पढ़ा, बनाना पढ़ा, ग्रेप्स पढ़ा आपने, पाइनएप्पल पढ़ा आपने। तो आपने ये सारे फ्रूट्स जो पढ़े हैं इनको आप अच्छे से पहचानिए पिक्चर्स देख देख करके, और हो सके तो आप स्पेलिंग भी इसको लर्न करिए। और ये क्यों खाते हैं हम लोग, ये चीज़ भी आप अपने मम्मी पापा के साथ बैठ के शेयर करिए, है ना, इस वीडियो को देख करके कि हमें ये क्यों खाने चाहिए, क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ओके, तो आप इनको अच्छे से लर्न करिए, समझिए और सारे फ्रूट्स को देखिए। सो नाउ योर होमवर्क इज लर्न ऑल फ्रूट्स। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।